नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट और रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जन न्यू दिल्ली इंडिया से आज आपको पेनाइल डॉपलर टेस्ट के बारे में बताऊंगा। पेनाइल डॉपलर टेस्ट क्या होता है, पेनाइल डॉपलर टेस्ट किस में करना पड़ता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसका प्राइस क्या है, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप मेरा ये पूरा वीडियो देखिएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहला क्वेश्चन, पेनाइल डॉपलर क्यों करते हैं? देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर पेशेंट को जैसे जैसे बूढ़ा होता रहता है उसकी इरेक्शन की पावर कम होती रहती है, तो 50 साल की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है। तो इन सब पेशेंट्स में पेनाइल डॉपलर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे ही पेशेंट आते हैं जिनकी 25 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, 35 साल उम्र है, यंग पेशेंट्स हैं और उनको फिर भी सेक्स की प्रॉब्लम है। इतनी यंग उम्र में सेक्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। काफ़ी पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो दवाइयाँ ले रहे हैं सेक्स के लिए, लेकिन फिर भी उनको सेक्स की प्रॉब्लम होते जा रही है। तो इतनी यंग एज में क्यों पेशेंट्स को सेक्स की प्रॉब्लम हो रही है, जानने के लिए पेनाइल डॉपलर टेस्ट ज़रूरी है। पेनाइल डॉपलर टेस्ट से पता चलेगा कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनका इरेक्शन ठीक नहीं हो रहा इतनी यंग एज में भी। पेनाइल डॉपलर टेस्ट क्या होता है? पेनाइल डॉपलर टेस्ट पेनिस की ब्लड वेसल्स का एक अल्ट्रासाउंड है। इसको पहले बिना इंजेक्शन दिए करते हैं और उसके बाद इंजेक्शन के साथ करते हैं। तो पेशेंट पहले एक बेड पर लेटता है और उसके बाद उसके पेनिस का पूरा अल्ट्रासाउंड से एग्जामिनेशन होता है। बिना इंजेक्शन के अगर पेनिस के अंदर कोई गांठ होए, पायरेनीज डिजीज़ होए, कोई पेनाइल फ्रैक्चर होए या कोई पेनिस में कैंसर होए, उसकी गांठ होए, ये सारी चीज़ें बिना इंजेक्शन के भी पेनिस के अंदर अल्ट्रासाउंड से दिख सकती हैं। जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होए उनको पेनाइल डॉपलर इंजेक्शन के साथ कराना होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन टेस्टिंग के लिए हम पेपावरीन इंजेक्शन यूज़ करते हैं, जो 30 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम की क्वांटिटी में पेनिस के अंदर इंजेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये पूरा पेनिस है, पेनिस के बेस पे यहाँ पे नीडल से इंजेक्ट करते हैं। ये बहुत ही पतली 24 से 26 गॉज की नीडल होती है, तो पेशेंट को दर्द भी नहीं होता। पेपावरीन इंजेक्शन लगाने से पेनिस के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और पेनिस का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। उसके बाद हम इसको अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं। तो इंजेक्शन के बाद क्या चेंजेस आते हैं उसको समझने के लिए हमें पेनिस की नॉर्मल ब्लड सप्लाई समझनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि नॉर्मली इरेक्शन कैसे होती है। तो जब भी स्टिमुलेशन होती है पेनिस के अंदर, आर्टरीज के थ्रू ब्लड अंदर आता है, और जब आर्टरीज के थ्रू ब्लड अंदर आता है तो पेनिस में इरेक्शन आती है, और वो फिर इरेक्शन जब आती है उसके बाद वो हार्ड इरेक्शन हो जाती है जिससे हम सेक्स कर सकते हैं। अब सेक्स करने के लिए ये जो हार्ड इरेक्शन है इसे मेंटेन होना होता है, तो ब्लड जो अंदर आया होता है उसे अंदर ही रहना होता है। पेनिस के अंदर आर्टरीज भी होती हैं और वेन्स भी होती हैं। जो आर्टरीज होती हैं उससे ब्लड अंदर आता है और वेन से ब्लड बाहर जाता है। तो अगर हमारे को नॉर्मल इरेक्शन करनी है तो उसमें ब्लड अंदर आना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए, और इरेक्शन के टाइम पे वेन्स ब्लॉक हो जानी चाहिए ताकि ब्लड वापस ना जाए, और डिस्चार्ज के बाद फिर वेन्स खुलनी चाहिए जिससे कि ब्लड बॉडी के अंदर चले जाए। तो ये पूरा मैकेनिज्म हम पेनाइल डॉपलर टेस्ट से चेक करते हैं। सबसे पहले जब हम इंजेक्शन देते हैं तो पेनिस की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। नॉर्मल पेनिस की ब्लड वेसल का डायमीटर 0.3 टू 0.5 मिलीमीटर होता है, और जब हम इंजेक्शन देते हैं तो उसका डायमीटर 0.8 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक का हो जाता है। तो उससे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसको हम लोग पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी बोलते हैं। जो बिल्कुल ही पीक के ऊपर वैल्यू होती है वो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है। तो अगर किसी की पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी 30 ml/s से ज़्यादा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर उससे कम होगी तो मतलब कि आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है, ब्लड सप्लाई पूरी नहीं आ रही। ये चीज़ डायबिटिक पेशेंट्स में या कार्डियक पेशेंट्स में या कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है कि ब्लड सप्लाई पूरी नहीं आती। दूसरी चीज़ देखते हैं कि ब्लड सप्लाई आने के बाद पेनिस हार्ड हुआ है कि नहीं। काफ़ी पेशेंट्स का ब्लड सप्लाई तो आ जाती है लेकिन पेनिस पूरा हार्ड नहीं होता, तो वो भी हम एक प्रॉब्लम है जो हम डॉपलर में देख सकते हैं। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो वेन्स के अंदर ब्लड वापस जा रहा है उसे हम एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी में मेजर करते हैं, तो वो डाउन स्लोप होती है, और जो इरेक्शन की पीक होती है उस टाइम पे हम एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी मेजर करते हैं। तो अगर वेन्स में ब्लड सप्लाई जा रही होती है, वेन्स में ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो उसमें एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी होती है। लेकिन अगर वेन्स बिल्कुल ब्लॉक हो गई हैं, कोई लीकेज नहीं है, तो उसमें एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कभी भी अगर एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी 3 ml/s से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि पेशेंट के वेन्स पूरी तरह ब्लॉक नहीं हुई हैं और पूरी इरेक्शन के टाइम पे वीनस लीकेज होती रहेगी, तो उसको इरेक्शन में प्रॉब्लम होगी। उसकी इरेक्शन हो तो जाएगी लेकिन वो मेंटेन नहीं रहेगी और डिस्चार्ज से पहले ही डाउन हो जाएगी। तो एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी के ज़रिए हम वीनस लीक के बारे में भी जान सकते हैं। तो अब देखते हैं कि डिफरेंट डिजीजेज में
पिनाइल डॉपलर में क्या फाइंडिंग होती है? आर्टीरियल ब्लॉक के अंदर पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी 30 ml पर सेकेंड से कम होती है। आर्टीरियल डायमीटर 0.8 मिलीमीटर से कम होता है। वीनस लीक के अंदर एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी 3 ml पर सेकेंड से ज़्यादा होती है। न्यूरोजेनिक ईडी में पिनाइल डॉपलर में कोई फाइंडिंग नहीं आती। साइकोजेनिक ईडी में भी पिनाइल डॉपलर में कोई फाइंडिंग नहीं आती। इन दोनों में नॉर्मल स्टडी आती है। पायरेनिस डिजीज में पायरेनिस के प्लैक दिखेंगे, गांठें दिखेंगी, पेंट पेनिस दिखेगी, कर्व्ड पेनिस दिखेगी। तो ये सब चीज़ें हमारे को पिनाइल डॉपलर से पता चल सकती हैं। क्या पिनाइल डॉपलर सेफ है? मेरे काफ़ी पेशेंट्स को पिनाइल डॉपलर कराते टाइम डर लगता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा पिनाइल डॉपलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिनाइल डॉपलर एक बड़ा ही साधारण सा अल्ट्रासाउंड टेस्ट है और ये बिल्कुल सेफ है। इसमें ना कोई ब्लीडिंग का डर है, ना कोई इन्फेक्शन का डर है। टेस्ट करने के बाद ना कोई इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, ना कोई यूरिन करने में प्रॉब्लम आती है, ना कोई बच्चा करने में प्रॉब्लम आती है। पिनाइल डॉपलर में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब हम पेपावरिन इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे जब पेनिस की ब्लड सप्लाई बढ़ती है और पेनिस में इरेक्शन आती है, कई पेशेंट्स में वो इरेक्शन अपने आप डाउन नहीं होती, तो उनको प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन होती है। और अगर इरेक्शन 3 घंटे से ज़्यादा हो तो उसको प्रायपिज्म कहते हैं। अगर इस प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन को टाइम से डाउन नहीं किया गया तो परमानेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी डर होता है। तो इसीलिए हम पेशेंट्स को प्रायपिज्म के बारे में हमेशा टेस्ट से पहले ही बता देते हैं, और इससे उनको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए कुछ सावधानियां बरतते हैं। पहली चीज़, पेशेंट का जब तक इरेक्शन डाउन ना हो जाए हम पेशेंट को अपने पास ही रखते हैं। दूसरी बात, अगर पेशेंट को 3 घंटे बाद भी इरेक्शन होती रहती है और अपने आप डाउन नहीं होती, तो हम आराम से एक एड्रिनलिन का इंजेक्शन लगा के इरेक्शन को डाउन कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आपको पिनाइल डॉपलर टेस्ट कराने से डरना नहीं चाहिए। चौथी चीज़ जो काफ़ी पेशेंट्स सोचते हैं कि हमें पिनाइल डॉपलर टेस्ट कहाँ कराना चाहिए, तो देखिए काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, रेडियोलॉजी सेंटर्स हैं जहाँ पे तो ये टेस्ट होता भी नहीं है। काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे ये टेस्ट होता भी नहीं है, और हम किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके ये टेस्ट नहीं करा सकते। आपको उसी जगह से पिनाइल डॉपलर टेस्ट कराना चाहिए जहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो रेगुलरली पिनाइल डॉपलर टेस्ट करते हैं और उनको पता है कि ठीक रिपोर्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि इस ठीक रिपोर्टिंग पे ही डिपेंडेंट होता है कि डायग्नोसिस ठीक बनेगा और उसका ट्रीटमेंट आगे ठीक चलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहीं पे आपको पिनाइल डॉपलर टेस्ट कराना चाहिए जहाँ पे यूरोलॉजिस्ट की देखरेख में पिनाइल डॉपलर टेस्ट होए, क्योंकि अगर आपको पिनाइल डॉपलर टेस्ट के बाद प्रायपिज्म हो जाता है या और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसको रेडियोलॉजिस्ट कभी भी हैंडल नहीं कर सकता। उसके लिए आपको एक यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। जब हम लोग अपना पिनाइल डॉपलर टेस्ट करते हैं तो पेशेंट पहले मेरे पास आता है, मेरे से पूरा समझता है पिनाइल डॉपलर के बारे में, फिर पिनाइल डॉपलर टेस्ट कराता है, और पिनाइल डॉपलर टेस्ट कराने के बाद फिर मेरे पास आके पूरी डिटेल्स समझता है, रिपोर्ट समझता है, और उसके बाद मैं उसको ट्रीटमेंट बताता हूँ। सारा कुछ मेरी देखरेख में ही होता है, और अगर उसको बाद में प्रायपिज्म की या और कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको भी हम हाथ के हाथ ही हैंडल कर लेते हैं। पिनाइल डॉपलर की रिपोर्टिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि पिनाइल डॉपलर की जो सही रिपोर्ट है उससे ही हमारे को पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को, और उस प्रॉब्लम को समझने के बाद हम उसको ठीक ट्रीटमेंट बता सकते हैं। इसी पिनाइल डॉपलर टेस्ट से डिसाइड होगा कौन पेशेंट मेडिसिन से ट्रीट होगा, कौन पेशेंट शॉक वेव थेरेपी से ट्रीट होगा, कौन पेशेंट वैक्यूम थेरेपी से ट्रीट होगा, कौन पेशेंट पिनाइल इम्प्लांट से ठीक होगा। तो सारे के सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो पिनाइल डॉपलर टेस्ट से ही डिसाइड होंगे। पिनाइल डॉपलर टेस्ट प्राइस क्या है? हमारे पास पिनाइल डॉपलर का पैकेज होता है 5,000 रुपीज़। इस 5,000 रुपीज़ में डॉक्टर की कंसल्टेशन, उसके बाद पिनाइल डॉपलर टेस्ट, उसके बाद पिनाइल डॉपलर टेस्ट के बाद डॉक्टर से फिर मिलना, सारा समझना, वो सारा इंक्लूडेड होता है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो जाए जैसे कि प्रायपिज्म या कुछ, उसको भी इसी पैकेज में हैंडल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको पूरा पिनाइल डॉपलर के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको और भी कोई पिनाइल डॉपलर के बारे में क्वेश्चंस हैं या इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट के बारे में क्वेश्चंस हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, शॉक वेव कराना चाहिए कि मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो लेना चाहिए कि पिनाइल इम्प्लांट कराना चाहिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप मेरे को ईमेल से या व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।